फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृति किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टमाटो सॉस। ये हमने जो टमाटो सॉस बनाया है, ये घर का बना हुआ है, घर के टमाटर से, और एकदम प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है बिल्कुल। तो ये जो टमाटो सॉस है, देखिए आप इसकी रेसिपी किस टाइप से बना हुआ है। और आपको तो पता ही है कि सॉस हर चीज़ में यूज़ होता है। ब्रेकफास्ट में तो अधिकतर लोग हर चीज़ के साथ टमाटो सॉस खाना पसंद करते हैं। तो मार्केट से अच्छा आप घर पर ज़रूर बनाइए। सरल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है, और घर का है तो प्योर तो होगा ही, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और देखने में अच्छी हो, खाने में भी अच्छी हो, तो आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टमाटो सॉस। घर का सॉस बना रही हूँ ताजे टमाटर से। ये मैंने आधा केजी टमाटर लिए हैं, मार्केट से लेकर आई हूँ, ताजे टमाटर हैं। तो ये जो मैं टमाटो सॉस बनाने जा रही हूँ, ये प्योर है, एकदम शुद्ध है, और घर का बना है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और हाइजेनिक भी नहीं होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हेल्दी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए। और देखिए मैं आगे क्या क्या करती हूँ इसके लिए, टमाटो सॉस के लिए। तो ये मैंने हाफ के जी टमाटो ले लिए हैं। अब मैं इसको फ्रेंड्स, ये हमारे टमाटर बॉईल कर लिए हैं हमने, तीन सीटी लगाई मैंने आपको बताया था, और टमाटर बॉईल हो चुके हैं, आप देख रहे हैं टमाटर गर्म है। ये देखिए इस टाइप से ये हमारे टमाटर बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए टमाटर को ठंडा होने के लिए रखेंगे, और इनको पानी सहित ही रखना है, इनका पानी हमको निथारना नहीं है। तो 2 मिनट के लिए हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है।
पीस लिए हैं, मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ अलग से। और ऐसे ही सेम प्रोसेस हम एक बार और करेंगे। ये जो टमाटर है हमारे, मैं ये फिर से लूंगी, सिर्फ टमाटर ही लेना है, ध्यान रखना आप इस चीज का। और इनको मैं फिर से एक बार और ग्राइंड करूंगी मिक्सी में। ये हमारे टमाटर पूरे पिस चुके हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ बाउल में। अब आप देख रहे हैं कि एक में हमारा ये जो हमने टमाटर पीसा था ये प्योरी रखी है, और दूसरे में ये जो हमने टमाटर का पानी छोड़ा था ये रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इनको मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना है, और आगे देखिए आगे हमें क्या प्रोसेस करना है, कंटिन्यू देखते रहिए। अच्छे से छान लेंगे। तो ये मैंने वही बाउल ले लिया जिसमें मैंने टमाटर निकाला था, और इसमें मैं एक छन्नी रख लेती हूँ, और इसमें टमाटर प्यूरी को डालकर चलाते हुए छानूंगी अच्छे से इसको। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी टमाटर प्यूरी डालूंगी और चम्मच से चलाते हुए छानती जाऊंगी इस टाइप से। इस टाइप से मुझको लगातार चलाते हुए छानना है, ताकि हमारा जो बीज है वो ऊपर रह जाए, और जो मोटे मोटे टमाटर के पीस थे वो रह जाए, और अच्छे से प्यूरी छनकर बाहर निकल जाए। तो इसको मैं इसी टाइप से चलाती रहूंगी और छानती रहूंगी। ये देखिए, ये इस टाइप से मैंने टमाटर को पूरे अच्छे से छान लिया है, और ये हमारी नीचे प्यूरी प्यूरी बची है टमाटर की, और ये जो इसके बीज हैं और छिलके मोटे मोटे ऊपर छन्नी में रह गए हैं, इसको हम निकाल के अलग कर देंगे, और हमारी आगे की प्रोसेस करते हैं। ये टमाटर प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें आगे क्या करना है आप देखिए। अब इस टमाटर प्यूरी को मैं एक कढ़ाई में डालूंगी, और इसको गैस पर पकने के लिए रखूंगी। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई कर रखा है, और इसमें जैसे ही एक बॉयल आएगा मैं इसका फ्लेम स्लो कर दूंगी, और स्लो फ्लेम पर मुझे चलाते हुए पकाना है। ये इस टाइप से हमारी टमाटर प्यूरी हो गई है, ये इस टाइप से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसको मैं बॉयल आने तक उबालूंगी और कंटिन्यूसली चलाती रहूंगी। तो ये देखिए, ये इसमें हमारे टमाटर प्यूरी में उबाल आ गया है, बहुत अच्छे से उबल रहा है। गैस का फ्लेम अब मैंने स्लो कर दिया है, अब मैं स्लो ही फ्लेम पर चलाते हुए पकाऊंगी। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ कुछ मसाले ऐड करना है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देती हूँ, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। गैस का फ्लेम मैं स्लो और तेज करती चली जा रही हूँ, स्लो भी कर देती हूँ, बीच में हाई भी कर देती हूँ, और इसको कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। इसको हमें जब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। तो आप देखते रहिए कंटिन्यूस वीडियो को कि हमको इसकी कंसिस्टेंसी किस टाइप से करनी है। अब मैं इसको लगातार चलाती हुई पका रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे इसमें उबाल आ रहा है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी, इसमें मैं 2 टीस्पून शुगर ऐड कर देती हूँ। ये 2 टीस्पून मैंने शक्कर डाल दी है इसमें। पहले मैंने इसमें नमक डाला, फिर रेड चिली डाली, और अब इसमें शक्कर ऐड कर दी। अब इसको मैं लगातार चलाती रहूंगी, इसको मैं लगातार चलाती रहूंगी। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी, इसमें मैं 2 स्पून
शक्कर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये मैं इसको 2 स्पून ऐड कर देती हूँ शक्कर को। ये मैंने 2 स्पून शक्कर ऐड कर दी है और इसको मैं शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और कंटिन्यूसली चलाती रहूंगी। अब मैं इसको लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। ये देखिए, ये कैसे गाढ़ा होता चला जा रहा है। इसको पकाते पकाते ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देती हूँ तो थोड़ा इसमें और बॉयल आ जाएगा ऊपर तक, और ये थोड़ा जल्दी पक जाएगा। अगर आप गैस के सामने यहाँ खड़े हुए हैं तो आप लगातार तेज और थोड़ी धीमी गैस, तेज और थोड़ी धीमी गैस करके इसको लगातार कंटिन्यूसली पकाते रहेंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। और अगर आप स्लो गैस पर इसको छोड़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक मिनट में इसको आकर चला सकते हैं, देख सकते हैं धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो बना रही हूँ सॉस, टमाटो सॉस, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं आप टमाटो सॉस बनाएं तो बहुत अच्छे पके हुए रेड टमाटर लाएं। इसका कारण ये है कि अगर आप रेड अच्छे पके हुए टमाटर लाएंगे तो हमारा टमाटो सॉस भी अच्छे से रेड दिखेगा, बिल्कुल मार्केट की तरह, और इसमें हमें कलर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नेचुरली रेड होगा ये। और आपको तो पता ही है कि ये घर पे बना रही हूँ मैं, तो ये ज़्यादा हाइजेनिक भी नहीं होगा, एकदम प्योर होगा, एकदम अच्छा घर का बना हुआ, मार्केट से भी अच्छा। और अगर आप एक बार इस सॉस को बना लेंगे तो फिर आप मार्केट का सॉस खाना तो भूल ही जाएंगे, ये समझिए। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और ख़ासकर आपको तो पता ही है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सॉस, बच्चों का फेवरेट होता है, तो मार्केट का तो कुछ अनहेल्दी होता है, और ये हेल्दी सॉस आप घर पे बनाइए, इससे बच्चों को पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे और बच्चे अच्छे से खाएंगे तो उनको नुकसान भी नहीं करेगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस टमाटो सॉस को बनाकर ज़रूर देखिए इस रेसिपी को, और एक बार आप बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी और आप लगातार हमेशा घर पर ही बनाएंगे इस सॉस को। ये हमारा सॉस पक्का बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, ये देखिए किस टाइप से हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, ये इसकी लास्ट स्टेज है, तो इसमें मैं थोड़ा सा काला सेंधा नमक ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून लिया है फ्रेंड्स मैंने, तो ये मैंने काला सेंधा नमक ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और लास्ट में मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, आप देखते रहिए कंटिन्यू। इसमें मैं एक ढक्कन विनेगर ऐड करूंगी, ये विनेगर डाल दिया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारा टमाटो सॉस थोड़ी सी देर और पकाएंगे हम, ये रेडी हो चुका है और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही और प्योर भी है, एकदम घर पर बना हुआ शुद्ध। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। ये हमारा सॉस बनकर रेडी हो गया है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो सॉस बनाया है इसको आप 15 से 20 दिन तक कांच के बर्तन में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता है क्योंकि इसमें विनेगर डाला है। तो आप 15 से 20 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में और इसे खा भी सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, एक बार जरूर बना के देखिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।